नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मुरादाबाद मंडल में लोकसभा चुनाव में प्रचार को धार देने के लिए दिग्गज नेताओं और स्टार प्रचारकों की फौज मैदान में उतरने लगी है। आपको बता दें, स्टार प्रचारक की ओर से पूरे मंडल को मथने की अब तैयारी की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ही रामपुर में जनसभा करने गए हैं, जबकि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को चंदौली पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी इसमें पीछे नहीं है। आपको बता दें, मायावती की जनसभा 7 साल बाद मुरादाबाद में होने जा रही है। वैसे में देखना होगा कि मायावती वहां जाकर क्या कुछ कमाल दिखा पाती हैं। वहीं आपको बता दें, मायावती की जनसभा लाइन पार में 15 अप्रैल को होगी। वहीं भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम भी तय हो गए हैं। अगर बात करें, मायावती आखिरी बार मुरादाबाद में 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी के समर्थन में दिल्ली रोड पर आयोजित की गई जनसभा को संबोधित करने आई थी, और इसके बाद 2019 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में उनका मुरादाबाद का दौरा नहीं लगा। अब ऐसे में वो इतने साल बाद जा रही हैं, तो देखना होगा कि मायावती वहां के लोगों से कैसे कनेक्ट करती हैं। आपको बता दें, मायावती 7 साल बाद एक बार फिर मुरादाबाद, संभल, रामपुर और अमरोहा के जो बसपा प्रत्याशी हैं उनके लिए जा रही हैं, और वहां पर धड़ल्ले से वोट मांगते हुए भी नजर आ सकती है। वहीं आपको बताएं, जिलाध्यक्ष सुनील कुमार आजाद ने बताया कि मतदाताओं में बहन जी की जनसभा को लेकर उत्साह है और हम लोग तैयारी में जुट गए हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी संभल लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने के लिए बुधवार को चंदौली पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, राजनाथ सिंह आशीष गार्डन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा 12 अप्रैल को मुरादाबाद के बुद्धि विहार के मैदान में होने वाली है। यहां वहां मुरादाबाद और संभल जो पार्टी प्रत्याशी के लिए जनता से मतदान अपील करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, अमित शाह इससे पहले मुरादाबाद में पश्चिम को 14 और ब्रिज प्रांत की 3 कुल 17 लोकसभा सीटों और कमेटी की बैठक भी कर चुके हैं। वहीं जिस तरीके से मायावती अब मुरादाबाद में 7 साल बाद एंट्री करने वाली हैं, तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में जिस तरीके से अमित शाह ने जाकर वहाँ पर अपनी छाप छोड़ी है, क्या मायावती उस छाप को मिटा पाती हैं या अपने लिए एक जमीन तैयार कर पाती हैं, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से अब आप देखिए, अमित शाह और राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती इसमें पीछे रहने वाली नहीं है, और कहीं ना कहीं वो अपने लिए एक जमीनी तैयारी करते हुए भी दिखाई दे सकती है। वहीं अगर बात करें सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ, तो वो भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को अपने वोटरों के साधने की पूरी कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, सपा प्रत्याशी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनसभा करने 14 अप्रैल को मुरादाबाद पहुंच रहे हैं। वहां जामा मस्जिद पार्क में सपा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करने आ रहे हैं। वहीं सपा अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने बताया है कि हेलीकॉप्टर के लिए अनुमति मांगी गई है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम तय भी हो गया है। हम लोग पूरी तैयारी में जुट गए हैं। गठबंधन धर्म निभाते हुए राहुल गांधी सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ संयुक्त रूप से जनसभा और रोड शो कर सकते हैं। आपको बताएं, मुरादाबाद और अमरोहा के लिए कार्यक्रम मांगा गया था, लेकिन अभी उसका शेड्यूल नहीं हुआ। वहीं अपने ससुराल में प्रियंका गांधी के साथ अखिलेश यादव मतदान की अपील करते हुए दिखाई दे सकते हैं। सपा ने अखिलेश यादव के कार्यक्रम की मांग की है। वहीं अमरोहा, संभल और रामपुर में भी संयुक्त कार्यक्रम होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इतनी सारी पार्टियों होने के बावजूद जो सबकी नजरें हैं मुरादाबाद में, वो कहीं ना कहीं मायावती के ऊपर टिकी हुई है। अब ऐसे में देखना होगा कि मायावती जिस तरीके से नगीना सीट पर गई, अखिलेश यादव को उन्होंने घेरा, या फिर आकाश आनंद भी वहां पर अखिलेश यादव और भाजपा और तमाम नेताओं को, चंद्रशेखर आजाद को घेरते हुए नजर आए, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि मायावती वहां का पूरा केंद्र बिंदु हो सकती है और मुरादाबाद सीट पर कहीं ना कहीं अपनी धाक भी जमाते हुए नजर आ सकती है। वैसे में देखना होगा कि क्या वाकई में 7 साल बाद मायावती वहां पर क्या कुछ कमाल दिखा पाती है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।